ओम शांति। समय परिवर्तनशील है, प्रत्येक दिन एक नई सुबह लेकर आता है और धीरे धीरे वो दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन आ जाता है और इस तरह दिन गुजरते चले जाते हैं, सप्ताह गुजरते चले जाते हैं, मास गुजर जाता है और धीरे धीरे वर्ष भी गुजर जाता है। और एक रिवाजी तौर पर जब हम लोग मिलते हैं आपस में तो ये कह देते हैं कि भाई हैप्पी न्यू ईयर, नया वर्ष मुबारक हो, बधाइयाँ आदि आदि। और ये एक रिवाजी तौर पर ही होता है, चाहे हम अंदर से उस बात के प्रति कितने सचेत हैं इसका भान कई बार नहीं भी रहता है। लेकिन वर्तमान वर्ष 2020 जो गुजरा है वह हम सब जानते हैं किस रीति से गुजरा है और क्या क्या बात लेकर के आया है। और लोगों में एक निराशा, एक ऐसी भावना जो कि हर एक मनुष्य की, जिसको वो चेतना बहुत कम कर दी है, दुख अशांति की मात्रा बढ़ा दी है हर एक के जीवन में। और इस प्रकार से वह वर्ष, वर्तमान वर्ष गुजरता चला जा रहा है। और एक रिवाजी तौर पर हम फिर एक बार यह बोल सकते हैं जब यह समाप्त हो या इसके बाद भी नया जब अगला समय चालू हो तो बोलते रह सकते हैं, चलिए आपके दिन शुभ हो, मास शुभ हो आदि आदि। स्वाभाविक भी है हर एक मनुष्य जीवन में सुख शांति की कामना करता है और इस सुख शांति की इच्छा के साथ साथ वह यह इच्छा रखता है कि उसके जीवन में उन्नति हो और केवल उसका परिवार ही नहीं बल्कि समाज और पूरा विश्व भी एक सुखदायी हो। और ये जब परिस्थितियाँ, जब काफ़ी हद तक ऐसे विपरीत परिस्थितियाँ हो जाती हैं तब मनुष्य सोचता है ये क्या हो। तो हम समझते हैं परिस्थितियों पर तो हमारा नियंत्रण होता नहीं है और परिस्थितियां विपरीत भी आती रहेंगी, लेकिन हम काफ़ी हद तक अपनी स्वस्थिति को मजबूत कर सकते हैं, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जिससे कोई भी विपरीत परिस्थिति आए। और गीता में भी कहा है जैसे मान अपमान, निंदा स्तुति, दुख सुख, हानि लाभ, ये सब तो जीवन का अंग है, दिन रात होती है, मौसम बदलते हैं, सब परिवर्तनशील है। तो क्यों ना हम अपनी स्वस्थिति को ऐसा मजबूत कर लें कि विपरीत परिस्थिति का हम सफलतापूर्वक सामना कर सकें। और इसके लिए हमें थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ इसमें सबसे पहली एक आवश्यकता ये है कि हम अपना दिन 24 घंटे की बजाय 25 घंटे का बना लें। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? वास्तव में जितना समय हम देते हैं निंद्रा में, वो निंद्रा भी आवश्यक है, विश्राम आवश्यक है, लेकिन हम उसमें प्रतिदिन अगर एक अपना संस्कार बना लें कि मुझे एक घंटा पहले उठना है जो मैं वर्तमान समय उठता हूँ। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह स्पष्ट कह सकता हूँ कि वह एक घंटा केवल एक घंटा ही नहीं रहता बल्कि लगभग डेढ़ दो घंटे के बराबर हो जाता है। कि क्योंकि सुबह जब हम उठते हैं तो बड़े फ्रेश होते हैं, ताजे होते हैं और जो भी कार्य करते हैं वह बहुत एनर्जी के साथ करते हैं। तो एक तो हम थोड़ा सा सुबह कम से कम एक डेढ़ घंटा जल्दी उठने का अभ्यास बना लें आगे आने वाले पलों के लिए, महीनों के लिए, समय के लिए, तो ये हमारे जीवन में एक काफ़ी खुशी का संचार कर सकता है। इसके साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हो सकता है कि शुरू में हमें कुछ डिफ़िकल्टी महसूस हो, लेकिन उसमें यदि हम रात को भी लगभग एक घंटा जल्दी सोने का अभ्यास कर लेंगे तो काफ़ी हद तक ये कंपेंसेट हो जाएगा। आदतें हम अपने आप ही फॉर्म करते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था ये हैबिट्स, आदत जो होती है
देखो एच ए बी आई टी हैबिट, उसमें एच को रिमूव कर दें तो भी ए बिट रह जाता है, ए रिमूव कर दें तो भी बिट यानी समथिंग, बी रिमूव कर दें तो भी इट यानी स्टिल समथिंग, और आई को भी रिमूव कर दें तो भी सिर्फ टी यानी आदमी, टी टोटलर तो रह जाता है। यानी कुछ ना कुछ आदतें जो हैं उसकी रह ही जाती हैं और आदत को बदलना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं इसे करना तो हो सकता है शुरू में थोड़ी कठिनाई हो, लेकिन ये हमारे पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इमोशनल लाइफ सब में बहुत बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। और मैं समझता हूँ जब आप इसको करेंगे तो शायद हो सकता है कि शुरू के कुछ दिनों में थोड़ी कठिनाइयाँ हों, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य पर और टोटल स्वास्थ्य पर, फुल हैबिट्स जो है ये फुल हेल्थ पर काम करेगा, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड द टोटल कंप्लीट हेल्थ। और आप जीवन में पाएंगे कि जीवन में एक नई खुशी, उमंग, उल्लास बढ़ रहा है और परिस्थितियां चाहे जितनी भी विकट आ रही हैं आप उनको सफलतापूर्वक क्रॉस करते जा रहे हैं। तो मेरी भी ये एक शुभ आशा है आपके लिए कि आप इस नई आदत को जो बहुत सिंपल है धारण करेंगे तो जीवन में एक ऐसा नयापन का अनुभव करेंगे जिसमें कि आपको लगेगा कि आपका जीवन तो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया। एक बार पुनः इन्हीं शुभ इच्छाओं के साथ कि आपका जीवन सुखदायी रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।